हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए 21 और 22 जनवरी की न्यूज़ को कवर करते हैं और इम्पॉर्टेंट लास्ट में हम क्वेश्चन भी देखेंगे उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, भारत ने पाकिस्तान को हराकर दूसरा ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 जीत लिया है। ये ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2018 हुआ कहाँ था? तो इसका वेन्यू रहा था UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अगर बात करें कि पहला ब्लाइंड वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो 1998 में न्यू दिल्ली में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा करके पहला ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो अभी करंट में याद रखेंगे कि दूसरा नंबर का ब्लाइंड वर्ल्ड कप किसने जीता, भारत ने किसको हराया पाकिस्तान को और कहां पे हुआ था, तो UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करेंगे। कैपिटल है अबूधाबी, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नयन। चलिए अगला देखते हैं। अगली न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बना दिया गया है। तो पहले गुजरात के गवर्नर ओम प्रकाश कोहली के पास मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त भार था, तो याद रखेंगे अब कौन बन गए हैं मध्य प्रदेश के गवर्नर, तो आनंदीबेन पटेल। अगर पूछा जाए कि आनंदीबेन पटेल ने किसको रिप्लेस किया है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ओम प्रकाश कोहली को, जिनके पास इसका एडिशनल भार था। ओम प्रकाश कोहली अभी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और अगर गवर्नर की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो अगेन फिर से इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ओम प्रकाश रावत को भारत के अगले चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, और इस तरह से वे 22वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, और वो किसको रिप्लेस करेंगे, तो अचल कुमार ज्योति को, ठीक है। और इसी के साथ ओम प्रकाश रावत के साथ एक और अपॉइंटमेंट रहा था, क्योंकि देखिए ओम प्रकाश रावत क्या थे और क्या बन गए हैं, ये थे इलेक्शन कमिश्नर और बन गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर थे, अब ये उन्होंने वहाँ से हट गए हैं, तो उनकी जगह कोई आया होगा, तो कौन आया है, यानी कि चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है, अशोक लवासा को। तो दो अपॉइंटमेंट रहे हैं, पहला तो ध्यान से सुन लो वापस से, ओम प्रकाश रावत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है अचल कुमार ज्योति की जगह, और इस तरह से वो 22 नंबर के बन जाएंगे, और अशोक लवासा को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, ठीक है। इसी के साथ याद रखना, याद होना चाहिए कि भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन, सेन साहब थे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 48th एनुअल मीटिंग को अटेंड करेंगे कौन, पीएम मोदी, और इस तरह से वे सबसे बड़े भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग। ये होगी कहाँ पे, तो दावोस स्विट्जरलैंड में होगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसकी थीम भी, क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। बात करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड, और चेयरमैन का नाम याद रखेंगे क्लाउस, क्लाउस नाम याद रख लें, ठीक है, क्लाउस क्लाउस क्लाउस, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइटी ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षित भारत, नाम याद रखेंगे, फिर से दोहरा रहा हूँ, साइबर सुरक्षित भारत की शुरुआत की। तो माइटी क्या है, फुल फॉर्म MEITY की बनेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन है, रविशंकर प्रसाद, ठीक है। तो माइटी ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षित भारत की शुरुआत की है, ठीक है। तो साइबर सुरक्षित भारत पर गौर फरमाइएगा। अगला देखते हैं क्या है। अगला है, पुडुचेरी के रायकल में फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो किसने, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पे, पुडुचेरी के रायकल में। बात करेंगे पुडुचेरी की, तो सीएम बनेंगे कौन, वी नारायण स्वामी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन, किरण बेदी। चलिए अगला देखते हैं क्या है, पुडुचेरी नाम याद रखिएगा, ठीक है। अभी फिर से एक अपॉइंटमेंट आएगा, चलिए हाँ, तो सुदीप लखटकिया होंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए डीजी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो सुदीप लखटकिया का नाम याद रखेंगे, क्या बन गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखो इसको ऐसे याद रख लो, आप बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है, अच्छी जगह जॉब करते हो, किसी के घर पर आए, तो वहाँ पे उसने गार्ड बिठा रखा है, बाहर घर के बाहर, क्या बताओ था, गार्ड, उसने आपको रोक लिया, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, अबे दो टके का गार्ड है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, दो टके का गार्ड है, तेरी क्या औकात, ऐसे बात करोगे, नहीं करोगे, फिर भी मान लो करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही याद भाई, ये हमारी इंटे, ये गार्ड से आप क्या कह रहे हो, अबे कैसा दो टके का,
लख टकिया से, दो टके का गाड़ है, तीन टके का गाड़ है, पांच टके का गाड़ है, तो लख टकिया, तो लख टकिया से याद आ जाएगा ये गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इस तरह से याद आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला कचरा महोत्सव 2018 का आयोजन छत्तीसगढ़ में हुआ। देखिए बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि जो भी आपका वेस्ट रहेगा, जो भी कचरा रहेगा, उसको मैनेज कैसे किया जाए, किस तरह से हम उसको रिसाइकल यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका पर्पज़ रहेगा। तो कचरा महोत्सव 2018 याद रखेंगे, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है। तो कहाँ पे? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे हुआ ये कचरा महोत्सव 2018, भारत का पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में। इसको ऐसे याद रख लो कि आप अभी तो नहीं, जब छोटे थे स्कूल से आते हो, अपने सॉक्स इधर फेंक देते हो, जुराबे उधर फेंक देते हो, शर्ट उतार देते हो, पैंट उतार देते हो, टाई टाई गली में रहती है, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या कहती है कि मतलब 36 जगह तूने चीज़ें फेंक रखी है, अपने कमरे को तूने कचरा बना रखा है, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह के डायलॉग याद आएंगे, मम्मा कहती थी पहले आपका रूम कचरे की तरह रहता था, ठीक है। तो बस छत्तीसगढ़ से कचरा महोत्सव कहाँ पे? छत्तीसगढ़। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो कैपिटल है रायपुर, सीएम है रमन सिंह और गवर्नर हैं बलराम दास टंडन, रवीना टंडन नहीं, बलराम दास टंडन, इम्पॉर्टेंट है तो याद रखना। चलिए अगला बात करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने समावेशी विकास सूचकांक यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 62 नंबर पे रखा है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कौन सा इंडेक्स? इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि समावेशी विकास सूचकांक में भारत को कौन सा नंबर दिया? 62। फिर से बोल रहा हूँ, और टॉप किसने करा है? तो नॉर्वे ने। किसने? नॉर्वे ने, ठीक है। इसी के साथ लिथुआनिया ने भी एक लिस्ट को टॉप किया है, उस लिस्ट का नाम है इमर्जिंग इकोनॉमिक्स लिस्ट को किसने टॉप किया है? लिथुआनिया ने। तो याद रखेंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स आएगा तो टॉप किया है नॉर्वे ने, जिसमें भारत का नंबर है कौन सा? 62। लेकिन अगर बात होती है कि इमर्जिंग इकोनॉमिक्स लिस्ट की, तो उसे टॉप किया है लिथुआनिया ने। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे, हेडक्वार्टर हम पहले भी देख चुके हैं कोलोनी स्विट्जरलैंड, और चेयरमैन कौन है इसके? क्लाउज। बात करेंगे नॉर्वे का नाम आया है तो इसका जो कैपिटल बनेगा वो ऑस्लो है, करेंसी है क्रॉन, और लिथुआनिया की विल्नियस, और करेंसी क्या है? यूरो। अगला देखते हैं क्या है। माल्टा की राजधानी वालेटा यूरोप की सांस्कृति राजधानी शहर बन गया है, और इस तरह से हम देख सकते हैं जो वालेटा है वो यूरोपियन यूनियन की सबसे छोटी राजधानी भी है। तो याद रखना माल्टा वालेटा, वालेटा माल्टा, इस तरह से याद रख लेना, माल्टा वालेटा, ठीक है। तो क्या बन गया है ये? यूरोपियन कैपिटल ऑफ कल्चर 2018। चलिए अगला बात करते हैं क्या है। अगला जो है कि वाइल्ड सिल्क मोथ्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 8वां एडिशन गुवाहाटी में शुरू हुआ है, और इसका थीम क्या रखा? अनएक्सप्लोर्ड हॉरिजन्स ऑफ वाइल्ड सिल्क, ठीक है। तो बात करेंगे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल कौन है? तो अजय तमटा, और यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी स्मृति ईरानी, ठीक है। टेक्सटाइल से ऐसे याद रख लो, कपड़े वपड़े ज़्यादा सज धज के कौन रहते हैं? ये हॉलीवुड वाले, टीवियों वाले, ठीक है। टीवी से निकल के कौन आई है? स्मृति ईरानी, तो इनके पास यही मिनिस्ट्री है बस, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो थोड़ा सा बना करके। आसाम की बात करेंगे तो कैपिटल है दिसपुर, और सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, ठीक है। तो गुवाहाटी जो है शहर वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? या आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताएंगे क्योंकि हमने आंसर लिख रखा है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, और डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। चलिए अगला देखते हैं क्या है। सोलोमन डेक्सिसा ने मुंबई मैराथन का 15वां एडिशन जीत लिया है। तो नाम याद रखेंगे, सोलोमन डेक्सिसा मुंबई मैराथन को जीत लिया है, और ये सोलोमन कहाँ से है? इथोपिया से। देखो इसको कैसे याद रखना, नाम से ही हम ट्रिक निकाल लेंगे, सोलोमन, ठीक है भाई। ये बड़ी दौड़ाया ना इसको, तो ये बड़ा स्लो 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 चल रहा है, ठीक है, स्लो चल रहा है, ये मैन है और ये स्लो स्लो चल रहा है। तो इसके देश वालों ने इसके ऊपर एक जिम्मेदारी थोपी, इथोपिया से हमने क्या निकाला? थोपी, कि भैया तेरे को जीतना है, अपने देश का नाम करना है। तो इन्होंने ये मुंबई का मैराथन जीत लिया। तो सोलोमन तो आपके आएगा मुंबई मैराथन, तो एक आदमी था बहुत स्लो स्लो चल रहा था, तो उसके देश वालों ने एक जिम्मेदारी थोपी, तो इथोपिया याद आ जाएगा, कहाँ से? इथोपिया से। तो इस तरह से याद रख लेंगे। इथोपिया की बात करेंगे तो कैपिटल अदिस अबाबा, करेंसी बिर, प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? मुलाटू तेशो। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है आपका, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री हक्सैलगी तेंगबांग स्कीम की शुरुआत की। ये हेल्थ सेक्टर पे एक स्कीम है,
और गरीबों और फिजिकली जो डिसेबल्ड यानी कि दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए स्कीम है। तो स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री जी हक्सैलगी तेंगबांग स्कीम, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ये शुरू की है। एक्चुअली है क्या स्कीम में कि अब तक होता क्या था कि जो भी गवर्नमेंट होती है वो फ्री मेडिकल सेवाएं देती है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोगों को, लेकिन अब मणिपुर के सीएम ने एक स्कीम लॉन्च की है, उसमें क्या होगा कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी फ्री मेडिकल सुविधाएं दे सकेंगे गरीबों को और जो दिव्यांग लोग होंगे उनके लिए। ठीक है, तो इस तरह का अच्छा ये शुरुआत है। तो याद रखना मणिपुर, भाई ऐसा याद रख लो मनी इन लोगों के पास ज़्यादा है तो इन्होंने ये सुविधा दे दी कि प्राइवेट वाले में भी आप दिखाने जाओ, ठीक है, वो फ्री में देखेंगे कुछ सेलेक्टेड होंगे जो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लोगे। मणिपुर की बात करेंगे तो कैपिटल है इम्फल, सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है हजमा हेपथुल्ला। बात करेंगे इसमें कौन से नेशनल पार्क आते हैं, तो कैबुल लामजाओ और शिरोही नेशनल पार्क, मैंने आपको ट्रिक से भी बता चुका हूँ इसकी बात। चलिए अब अगला देखते हैं क्या है। स्वदेशी निर्मित दूसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि ओपीवी यानी कि अपतटीय गश्ती पोत, जिसका नाम क्या रखा है विजया, को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है। एक तरह का शिपयार्ड है, गश्ती जो लगाते हैं ना उस तरह का एक ये पोर्ट वो वेसल है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और ये दूसरे नंबर का है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि पहला भी बन चुका होगा और उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आपका पहले वाले का क्या विक्रम और दूसरे वाले का क्या है विजया। तो इस तरह से याद रख लो कि एक विक्रम था, विक्रम बेताल वाला विक्रम था, वो आया लड़ा और उसे विजय मिल गई। तो पहले कौन आया विक्रम, फिर आया विजय, तो कंफ्यूज मत होना, पहले विजय मत कर देना क्योंकि ऑप्शन में फंसाने की कोशिश करेंगे आपको। तो बात करेंगे कि आईसीजी का हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली में। चलिए अगला देखते हैं क्या बनता है आपका न्यूज़। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने चंगलांग जिले के जयरामपुर में वर्ल्ड वॉर सेकेंड मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन, पेमा खांडू ने वर्ल्ड वॉर सेकंड मेमोरियल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पे किया है, चंगलांग जिले के जयरामपुर में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो बात कर लेते हैं। कैपिटल है ईटानगर, गवर्नर है कौन इसके बीडी मिश्रा, क्योंकि सीएम तो देख ही चुके हैं पेमा खांडू। अगर बात करेंगे नेशनल पार्क की तो नामदफा नेशनल पार्क, मूलिंग नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व, तो पक्के से इस चीज़ को याद कर लेना। अगला देखते हैं क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन ने आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर नारा लोकेश को कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया। तो याद रखना है किसको सम्मानित किया और कौन सा अवार्ड और किसने, तो एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन ने कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किसे किया है, आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर, उनका नाम याद रखना नारा लोकेश, ऐसे याद कर लो नारा, ठीक है, पजामे का नारा, तो नारा लोकेश को सम्मानित किया गया है और एपीजे अब्दुल कलाम से ही ये अवार्ड आएगा आपका, कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड। ठीक है, बात करेंगे आंध्र प्रदेश की तो कैपिटल है अमरावती, सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है ईएसएल नरसिम्हा, नेशनल पार्क की पापिकोंडा है ना और सर वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने टोक्यो के क्लीन अथॉरिटी के साथ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन फैसिलिटीज के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो दो नाम, तेलंगाना गवर्नमेंट और टोक्यो क्लीन अथॉरिटी, टोक्यो यानी कि जापान याद रखेंगे और तेलंगाना याद रखेंगे। ठीक है, तो तेल, तेल से याद रख लो, टी से तेलंगाना, टी से टोक्यो। जब आप सर पे ज़्यादा तेल लगा लेते हो तो मम्मी आपकी टोकती है ना कि इतना तेल क्यों लगा लिया, बहुत चिपचिपा, बस ऐसे याद रख लो तेलंगाना, क्योंकि टी से तमिलनाडु भी होता है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बात करेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है टोक्यो क्लीन अथॉरिटी के साथ। तो मतलब बेसिकली इसमें होगा क्या, ये जो आपका लिखा हुआ है म्यूनिसिपल वेस्ट सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन फैसिलिटी, मतलब जो भी आपका वेस्ट होता है उसे कैसे रिसाइकल या डिस्ट्रॉय किया जाए इस पे बात की जाएगी, या जो भी सॉल्यूशन होंगे वो निकाले जाएंगे। तो हमें तो इतना याद रखना है, तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ टोक्यो। जापान की बात करेंगे, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और पीएम है कौन, शिंजो अबे। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है आपका, एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो है मेरा यहाँ पे जो पिक्चर है मैं आपको बता दूँ, ये गलत यहाँ पे लग गया है, इसका पिक्चर कोई और था, तो पिक्चर पे ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए हमें तो न्यूज़ से मतलब है, हम अगली न्यूज़ देखते हैं और लास्ट होगी मेरे ख्याल से। तो मॉरिशियस 2016-17 में भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हाइएस्ट सोर्स रहा है। तो RBI ने बताया कि जो मॉरिशियस है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करा था 2016-17 में भारत में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई विदेशी भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो 2016-17 मॉरिशियस से सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहा है, RBI ने बताया है। मॉरिशियस की बात करेंगे,
कैपिटल याद रखना पोर्ट लुइस और करेंसी है रुपी, ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर मत कर देना, पोर्ट लुइस के नाम से याद रखना, मॉरिशियस की कैपिटल है। चलिए फ्रेंड्स अब हम टेस्ट लगा लेते हैं और देखते हैं कि जो हमने पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और हमसे कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। हमेशा की तरह क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में रखा गया है, जो हिंदी मीडियम से उनके लिए हिंदी में क्वेश्चन को मैं बोलूंगा। तो पूछा है छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो कौन है, तो छत्तीसगढ़ में बेसिकली हो क्या रहा है, ये न्यूज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कचरा महोत्सव 2018 भारत का पहला लगाया जा रहा है, आयोजित किया गया है। तो हमने इसको कैसे याद किया था, टंडन, रवीना टंडन कभी कचरे में नहीं जाएगी, तो टंडन से याद रखना, बलराम जी दास टंडन। अगला देखिए, वलेटा इज द कैपिटल सिटी ऑफ, तो वलेटा मलेटा वलेटा मलेटा ऐसे याद रखना था नाम, तो आंसर होगा सी वाला, मल्टा। चलिए अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कितनी रैंक मिली है, तो आंसर होगा 62, टॉप किसने किया है, नॉर्वे ने। अगला देखिए, पूछ रहा है कि भारत का पहला गार्बेज कचरा महोत्सव 2018 कौन सा स्टेट में लॉन्च किया, मतलब हो रहा है, आयोजित हो रहा है, तो कहाँ पे हो रहा है, छत्तीसगढ़, मैंने हमने ट्रिक देखी थी, तो आंसर उससे निकल जाएगा छत्तीसगढ़। अगला देखिए कि उस आईपीएस ऑफिसर का नाम बताइए जिसे अपॉइंट किया गया है नया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो मैंने कहा था ट्रिक क्या देखी थी, गार्ड अगर आप जाओगे, आप बड़े आदमी हो, किसी गार्ड ने आपको रोक लिया, मान लो मेरे घर पे आ रहे हो आप, ठीक है, आप बहुत बड़े आदमी हो, मेरे गार्ड ने आपको रोक लिया, तो आप क्या कहोगे उससे, अबे क्या 2% का गार्ड मुझको रोक रहा है, मुझको पहचानता नहीं है क्या, 2% का गार्ड है तू मुझको रोक रहा है, तो टके से याद रखना लखटकिया, ये 1 या 2% का नहीं है, ये 100,000% का गार्ड है, सुदीप लखटकिया, इस तरह से याद करना। अगला देखिए, वो वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया ही लिख दिया है, इंडिया आएगा टाइपो एरर, तो पहले की बात कर रहे हैं ये, तो पहले कौन थे, सुकुमार सेन, आंसर होगा डी वाला। अगर प्रेजेंट में जो अभी अपॉइंट किए गए हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनका आंसर क्या होगा, ओम प्रकाश रावत, रिप्लेस किया है अचल कुमार ज्योति को। अगर बात करें इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं ओम प्रकाश रावत की जगह, तो आंसर होगा अशोक लवासा। चलिए अगला देखिए, बताना है कि पहला पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र पुडुचेरी में किसके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा, ठीक है, वहाँ की पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी है ये, तो ये मत कर देना कि ये सोच के ये होगा, आंसर होगा सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री। अगला देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन कौन है, तो क्लाउज, मैंने बताया था दो बार आया है आज की न्यूज़ में, तो क्लाउज, ठीक है, तो क्लाउज से याद रखना। अगला देखिए, नेम द पर्सन, उस पंडे का नाम बताना है जिसे अपॉइंट किया गया है हाल ही में अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इंडिया का, तो कौन है, ओम प्रकाश रावत, किसको रिप्लेस किया है, अचल कुमार ज्योति को, और इलेक्शन कमिश्नर पूछूं तो कौन है, अशोक लवासा, किसकी जगह लेंगे, ओम प्रकाश रावत की जगह, क्योंकि ओम प्रकाश पहले क्या थे, इलेक्शन कमिश्नर, जो अब क्या बन गए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अगला देखिए क्या है, पूछ रहा है कि माइटी ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की है, और माइटी क्या है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उस इनिशिएटिव का नाम बताना है, तो क्या है, साइबर सुरक्षित भारत, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, पीएम मोदी हाल ही में अटेंड करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 48th एनुअल मीटिंग को, तो पूछ रहे हैं ये मीटिंग कहाँ पे होगी, तो दाओस स्विट्जरलैंड में। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, कोलोनगी स्विट्जरलैंड में ही है, और चेयरमैन कौन है, तो क्लाउस से याद रखना, क्लाउस। वो हैज बीन नेम्ड एज द गवर्नर ऑफ एमपी, एमपी के नए गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, किसको रिप्लेस किया है, ओम प्रकाश कोहली। हालांकि वैसे ओम प्रकाश कोहली गुजरात के हैं, उनके पास अतिरिक्त भार था एमपी का, ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो ओम प्रकाश कोहली ही नाम लिखना। चलिए अगला देखते हैं, इंडिया ने किसको हरा करके दूसरा ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत लिया है, जो कि यूएई में हुआ था, तो पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। और अगर बात करें कि पहला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 1998 में साउथ अफ्रीका ने जीता था, जो न्यू दिल्ली में हुआ था, किसको तब भी हराया था, पाकिस्तान को ही हराया था, तो पाकिस्तान को हम बार बार हरा रहे हैं, मज़ा आ रहा है जी, बावड़ो हो रहा है। अगला आगे बढ़ते हैं कि मॉरिशियस की कैपिटल क्या है, तो मैंने कहा था पोर्ट ब्लेयर मत कर देना, आंसर होगा पोर्ट लुइस, सी वाला। अगला देखें, इन विच सिटी, किस सिटी में 8वां एडिशन, किसका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाइल्ड सिल्क मोथ का आयोजन किया गया, तो कहाँ पे, आंसर होगा गुवाहाटी में। चलिए अगला देखते हैं, सोलोमन डेक्सिसा ने 15वां एडिशन जीत लिया है मुंबई मैराथन का, आपको बताना है कि ये कहाँ से है, तो हमने इसको कैसे याद किया था, ये एक मैन है, बहुत स्लो चल रहा था, तो इनके देश वालों ने इन पर एक जिम्मेदारी थोपी कि आपको जीतना है, तो थोपी इथोपिया से याद हो जाएगा, थोपी, तो थोपी 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 इथोपिया। चलिए अगला देखते हैं क्या है,
वो हैज बीन अपॉइंट, किसे अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो शायद ये डबल से हम देख रहे हैं, तो अब तो बता ही दे हो गया, आंसर होगा ओम प्रकाश रावत। चलिए अगला देखिए, अगला पूछ रहा है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर जी हांगशेलगी तांगबेंग, एक हेल्थ सेक्टर एक स्कीम है गरीबों और डिसेबल यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए, ठीक है। तो हमने इसको कैसे याद किया था, भाई उस स्टेट के पास बहुत सारी मनी है तो उसने लागू कर दी ये चीज़, ठीक है, तो मनी से याद रखना मणिपुर। चलिए अगला देखिए, एलएनटी शिपयार्ड ने लॉन्च किया है दूसरा स्वदेशी निर्मित कॉस्ट ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ठीक है, और कहाँ पे, तमिलनाडु के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में। तो उसका नाम बताना है, उस कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम बताना है, क्या है, विजया, ये दूसरा है, पहला क्या होगा, विक्रम। तो हमने ऐसे याद किया था, पहले कौन आया, विक्रम, फिर उसको विजय मिल गई, तो पहले विक्रम फिर विजया, अभी का आंसर क्या होगा, विजया। अगले बात करते हैं, किसने उद्घाटन किया है वर्ल्ड वॉर सेकंड मेमोरियल म्यूजियम का, कहाँ पे, जो रामपुर चांगलेंग डिस्ट्रिक्ट में। तो किसने किया है, तो आंसर होगा पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश की सीएम। चलिए अगला देखते हैं, वो हैज बीन अवार्डेड बाय APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा, किसे सम्मानित किया गया है विद कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड, किसे दिया गया है। तो हमने कहा था नाड़ा से याद रखना, ठीक है, तो नाड़ा से याद आ जाएगा आपको, नाड़ा लोकेश। चलिए अगला देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, क्लीन अथॉरिटी ऑफ टोक्यो, काई के लिए, फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन फैसिलिटीज के लिए। तो हमने कहा था जब आप सर पे ज़्यादा तेल लगा ले तो आपकी मम्मी टोकती है आपको, कितना तेल क्यों लगा लिया, चिप चिप करेगी बाल, तो तेल लगा लिया से तेलंगाना, ठीक है, तो आंसर होगा सी वाला। अगला देखते हैं, वो इज द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन है, तो डायरेक्ट आंसर है रविशंकर प्रसाद। अगला देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द हाइएस्ट सोर्स ऑफ इंडिया फॉरेन FDI के लिए, 2016-17 में FDI यानी कि किस देश का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है एज अ FDI 2016-17 में, RBI ने बताया है किस देश का नाम, तो बताइए, मॉरिशियस आंसर होगा इसका, आंसर होगा मॉरिशियस, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।